प्यारे बच्चों, आओ एक बहुफलकीय 3D आकृति बनाते हैं। कल हमने इसे बनाया था 10 स्क्वायर पेपर से, लेकिन आज हम इसे एक A4 के पेपर से बनाएंगे। A4 के पेपर से हम दो कागज़ की पट्टी काटेंगे और किस तरह से बनाएंगे, आइए समझते हैं। ये हमने एक A4 का पेपर लिया और इसमें हम ऐसा करेंगे, हम साइड में 5 सेंटीमीटर की एक पट्टी को हम कैंची से या कटर से काट कर इससे अलग कर देंगे। जो हमारा पेपर बचा है, इस पेपर की हम लॉन्ग साइड से किनारों को मिलाकर इससे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसे यहाँ से काट कर इसके दो पीस कर लेंगे। इस तरह से हमने एक पीस बनाया है, ठीक इसी तरह से हमें दूसरा पीस और बनाना है। ये हमने दो पट्टियाँ बना ली हैं। अब इसमें हम ऐसा करेंगे, एक बाहर के जो एक त्रिभुज दिखाई हमें दे रहा है, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी वाली साइज में करेंगे। हम ये देखेंगे, हमारे पास ये 5 लेग ऊपर दिखाई दे रही हैं, तो हम एक एक लेग में दूसरे लेग को इस तरह से छोटा सा हमें जो समकोण त्रिभुज दिखलाई दे रहा है, इन दोनों को हम एक दूसरे से चिपकाते हुए इस तरह से हमें चिपकाएंगे। ये अंदर की ओर चिपक कर अंदर के हिस्से में चला जाएगा। इसी तरह फिर दूसरे पीस को दोनों पर ये फेविकोल या फेवी स्टिक लगाएंगे और इनको भी इस तरह से हम यूँ चिपकाते चलेंगे। सबके शीर्ष बीच की तरफ हमें मिलते हुए दिखाई देते रहेंगे। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है। ऐसी तरह से हम दूसरा पीस तैयार करेंगे। ये हमारे दो पीस बन गए, तैयार हो गए हैं। अब हम ऐसा करेंगे, एक पीस को दूसरे पीस के अंदर इस तरह से बहुत आराम से सूख जाने के बाद, जब तक हमारे पीस गीले हैं तब उन्हें सूखने का वेट करेंगे और फिर इस तरह से एक पीस को दूसरे पीस के अंदर यहाँ हम हल्का सा इसमें तवी स्टिक से चिपका देंगे और ये हमारी बॉल तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर 20 फलक होंगे और इससे हम बच्चों को शीर्ष, कोर और फलक के संबंध में समझा सकेंगे।